ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का हम देखते हैं। तो इसलिए अब क्या किया, वो जो छोटा सा बच्चा रहता है उसने ऊपर आसमान की तरफ अपनी जब नज़र घुमाई और उसकी नज़र पड़ गई चांद पर। इट सीम टू द बॉय दैट मे बी द प्लांट कुड सर्वाइव देयर। अब उसने ये सोचा कि हो सकता है कि ये जो छोटा सा पौधा है ये वहीं पर ही जिंदा रह पाए, ये वहीं पर ही बचेगा। सो द लिटिल बॉय पुट ऑन द स्टोन और सूट, जम्प्ड इनटू अ स्पेस शेप एंड वेंट ऑफ टू द मून। अब इसलिए वो छोटे से बच्चे ने एस्ट्रोनॉट यानी जैसे अंतरिक्ष में जाने के लिए उसने अपना एक पहना हुआ सूट लिया। अब उसने वो सूट पहन लेने के बाद में वो स्पेसशिप में जंप करके अब वो मून पर पहुंच गया, फार अवे फ्रॉम ऑल द पॉल्यूशन ऑफ द प्लानट एंड विद अ बॉय विजिटिंग इट एवरी डे टू टेंड इट। द प्लांट स्टार्टेड टू ग्रो। अब वो लड़का क्या करता, रोज़ वो पॉल्यूशन से बचाने के लिए उस ग्रह को छोड़ देता और वो रोज़ चांद पर जाता। चांद पर जाकर वो उस पौधे को रोज़ मिलता और उसे पानी देता, खाद देता। इस तरह से अब वो पौधा धीरे 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 बड़ा होने लगा। द रेड फ्लावर टर्न्ड इनटू अ फ्रूट। अब वो जो रेड कलर का छोटा सा फूल होता है वो अब फ्रूट में तब्दील हो गया, यानी अब वो फ्रूट बनने लग गया। द सीड्स इन द फ्रूट फेल ऑन द ग्राउंड एंड जर्मिनेटेड टू गिव राइज टू मेनी प्लांट्स। अब वो जो सीड होता फ्रूट्स के अंदर से जो बीज गिरता था, वो बीज जब नीचे गिर जाता ग्राउंड पर तो वो धीरे धीरे जड़ों में फैल जाता और इस तरह से कई सारे पौधे वहाँ पर उग गए। वेरी सून द होल मून वॉज कवर्ड विद द रेड फ्लावर्स। और इसी तरीके से जो पूरा मून था वो पूरी तरह से रेड रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स से भर गया था। That is why whenever the red flowers open up for a few minutes, the moon takes a soft red shine like a warning light. अब इसीलिए माना जाता है कि जहाँ भी लाल कलर का फूल हो या जहाँ भी लाल कलर के फूल उगते हैं वहाँ पर चाँद की रोशनी ज़रूर पड़ती है, या कह दें कि चाँद की एक झलक ज़रूर उस फूल के ऊपर पड़ती है और वो लाल कलर में शाइन करने लगता है। तो ये देखने से या ये समझ सकते हैं हम कि चांद की जो वार्निंग लाइट होती है चांद उस पर अपनी दृष्टि डालता है। मे बी इट इज़ टेलिंग अस दैट इफ़ यू डोंट लुक आफ्टर आवर प्लैनेट अ डे विल कम व्हेन प्लांट्स विल ऑलवेज बी ओनली बी एबल टू ग्रो ऑन द मून। अब ये कहा जाता है इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक कि हमारे ग्रह पर इतनी सुख शांति समृद्धि नहीं हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्लांट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे खेलने में मना करेंगे या उनकी भी इच्छाएं पूछी जाएंगी तो पौधे भी यहाँ पर इस ग्रह पर खेलना नहीं चाहेंगे बल्कि वो भी चांद पर जाकर खेलेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर MSc यूनिट 3। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSc का यूनिट 3 और जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का माहौल या हमारा पर्यावरण। द गोल ऑफ लाइफ इज़ लिविंग इन एग्रीमेंट विथ नेचर। अपनी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो एक ही होना चाहिए कि हमारे नेचर ने यानी हमारे कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी हैं उसमें एग्रीमेंट यानी बढ़ोतरी करना है हमें। अब रीड एंड रिफ्लेक्ट में दिया है कि यानी हम जिसे पढ़ेंगे और समझेंगे। द रेड मून, अब रेड मून का मतलब होता है, मून का मतलब तो सब जानते होंगे चांद। अब रेड मून का मतलब लाल सा मून। सो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी स्टूडेंट्स। देयर वॉज वंस ए लिटिल ग्रे प्लैनेट दैट वॉज वेरी सैड। अब एक समय की बात है कि एक प्लैनेट का मतलब ग्रह, एक ऐसा ग्रह था जो कि ग्रे कलर का हुआ करता था और वो काफ़ी सैड था। सैड माने उदास। People living there had spoiled the whole countryside so much that there were no plants and animals left. अब जो वहाँ पे लोग people living there मतलब वहाँ पर रहने वाले लोगों ने इतनी बुरी तरह से पूरे देश को या पूरे समाज को बर्बाद कर दिया था या गंदा कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे या जानवर सब कुछ वहाँ से गायब हो गए या सब कुछ वहाँ से छूट गए थे। वन डे अ लिटिल बॉय वाज पासिंग बाय अ केव। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसी केव के पास से यानी एक गुफा थी गुफा के पास से गुजर रहा था। ही लुक्ड इनसाइड द केव एंड नोटिस्ड अ स्मॉल प्लांट विद अ रेड फ्लावर। अब उसने गुफा के अंदर नज़र घुमाई तो उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा है और उसमें लाल कलर का एक फूल खिला है।
द प्लांट वॉज वेरी सिक ऑलमोस्ट डाइंग सो द बॉय केयरफुली डग अप द प्लांट विथ रूट्स सॉइल एंड एवरीथिंग। अब उसने जब बच्चे ने नज़र डाली तो बच्चे को देखने से ये पता चला कि वो जो पौधा है वो काफ़ी बीमार है, यानी मुरझाया हुआ सा पौधा था। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने वहाँ जाकर उसे खोदा और उसकी रूट्स वगैरह में पानी डाला, मिट्टी डाला, इस तरह सब कुछ करने के बाद उस पौधे को सही तरीके से वहाँ पे वापस लगा दिया। देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए प्लेस वेर ही कुड लुक आफ्टर इट। अब वो बच्चा ढूंढने लगा एक ऐसी जगह कि जहाँ पर वो उस पौधे को सेफली लगा सके और वो उसकी देखभाल कर सके। ही सर्च्ड ऑल ओवर द प्लैनेट बट ऑल द प्लेसेस वर बैडली स्पॉइल्ड। अब वो पूरी पृथ्वी पर या पूरे ग्रह पर घूम घूम के जगह ढूंढने लगा कि वो पौधे को कहाँ लगाए, लेकिन वो जहाँ भी जाता वहाँ पर उसे गंदगी, हर तरफ गंदगी तक।